इंतजा है कि बहुत मुश्किल वो जिंदगी होती है। मैं कानपुर चमनगंज के एक बहुत मुसलमान एक इलाका है वहां से निकलती थी, सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, स्कर्ट पहन के जाती थी, सब लोग देखते थे, बुरा भला कहते थे और मेरी माँ तक मुझे डांटती थी, कहती थी स्कूल से निकालो इसे, सब लोग कहते हैं अब बड़ी हो रही है बच्ची। मैं चादर डाल देती थी, आप सोचिए, और इतनी मुश्किल लड़ाई होती है, आप प्लीज समझिए इस बात को। ये मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं है, कतई नहीं है। मैं एक बहुत ही जज्बाती तौर पर उन छोटी बच्चियों के लिए और उनके हकूक के लिए बोलना चाहती हूं, नहीं है। मौका दीजिए प्लीज, आप क्यों ला रही इन सब बातों को, सियासत किसी और पर कर लीजिएगा भाई, मर्दों पे कर लीजिए सियासत। आप बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, हर वक्त बच्चियों के पहनावे पे पड़े रहते हैं। पहले पढ़े लिखे तो हमारी बच्चियां, अब आपने हिजाब बना दिया है, पहले हिजाब फिर किताब, क्यों? मतलब बहुत मुश्किल लाइफ होती है, आपको पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। आप जानते हैं क्या क्या सुनना पड़ता है? आप जानते हैं ट्विटर में क्या क्या लिखते हैं? और ये झूठ बोल रही है कि जो ना पहनना चाहे ना पहने, जो नहीं पहनता है उसको क्या क्या गाली बकते हैं ये लोग, क्या क्या कहते हैं। अदिति जी मैं सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ, मुझे होना नहीं चाहिए, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ। और इतने मेरे साथी हैं और इतने मेरे दोस्त हैं, अगर किसी ने मुश्किल दौर से होकर कोई गुजरा है तो उसे इमोशनल होने का पूरा हक है कि ये पूरा पूरा हक है भाई इमोशनल होने का, अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है। कंट्रोवर्सी को आप यहाँ पे क्यों कर रही है? बच्चे बड़े भूल जाए थोड़ी देर के लिए, और जो बच्चे निकलना चाहती है ना अदिति जी, आप जानते नहीं उनको क्या क्या सुनना पड़ता है, उनकी माओ को सुनना पड़ता है, उनकी पिटाई तक होती है घर में। आप जब मैं बताऊं आपको, कहते बदतमीज हो गई है, और एक 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 सुप्रीमेसी होती है, मॉरल राइचियसनेस होता है। अरे हम तो जो है ना, हम तो हमारी बड़ी अच्छी लड़की है, हिजाब करती है, और जो नहीं करती है उसका मजाक उड़ाते हैं ये लोग, उसको क्या क्या सितम सहना पड़ता है। छोटे घरों में, आप छोटे कस्बों में जाइए, आप देखेंगे वहां पे जो इलाके ऐसे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है, और ये लोग उसी रिग्रेशन में ले जा रहे हैं। हम लोग कितना लड़े इससे, क्योंकि आप इतना आसान नहीं होता, आप भी समझिए इस बात को। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, पहले किताब सिर्फ किताब, जरूरी है किताब। जब ये बच्चियां बड़ी हो जाए, पढ़ लिख लें, तब आप घर में सिखाइए उनको मजहब कल्चर सिखाइए, पर आप क्यों थोप रहे हैं सब चीजें, और अब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चियों के हकूक और अधिकार और पढ़ाई लिखाई। आप तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं इमोशनल, लड़े कॉमर्स पर, आप तो स्क्रीन पर इमोशनल दिखाई दे रही हैं। मैं बच्चियों के बारे में सोच रही हूँ, उन बच्चियों के बारे में सोच रही हूँ जिनके पास आपकी तरह आवाज नहीं है, जो ऐसे इस प्लेटफॉर्म पर आकर बात नहीं कर सकती है। बड़ा फैसक उससे पहले सायदा फलक, स्कूल तक नहीं जाने देंगे। आप प्लीज समझिए, आप जान नहीं रही है, ये पॉलिटिशियन लोग हैं। बल्कि मेरी माँ बुरखा पहनती थी और मेरी खाला फुप्पो सब पहनती रही हैं, मेरी बहुत सारी, और मैं कानपुर चमनगंज से हूँ, एक जेनरेशन में मैंने इसको तब्दील किया है। और इतना मुश्किल होता है, बड़ा आसान है 13, 14, 15 साल की बच्चियों से कहना कि ये, और बच्चियों का कहना ये हमारा, ये मेरी चॉइस है, लेकिन ये सोशल कंडीशनिंग होती है, ये एक मानसिकता थोपी जाती है। अगर आप नहीं पहने तो कहा जाता है बच्चे मुसलमान नहीं है, आपकी शादी नहीं हो पाएगी, अब बाहर कैसे निकलेंगे। तो ये थोपा जा रहा है, ये सिर्फ, और इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, ये एक पॉलिटिक्स है, और ये पॉलिटिशियन के तौर पर यासमीन आपा बोल रही थी, पूरी आपकी पार्टी पर लग रहा है, उसी पॉलिटिक्स का आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है, उसी पॉलिटिक्स का आरोप आप कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है। अब्दुल रजाक खान आपका जवाब। आपका तो हिजाब बालों को ढकना तो कुरान शरीफ में ही नहीं है, तो इन्होंने तो आपको मालूम है, वही तो कह रही थी तलाक भी जरूरी है, ट्रिपल तलाक, उसका तो कुरान शरीफ में ही जिक्र नहीं था। तो जो लोग कुरान शरीफ के खिलाफ जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा की मुखालफत करने के लिए, आपको लगता है कि वो बच्चियों के लिए या इस्लाम के लिए फिक्रमंद होंगे? तो इनका जवाब ले लेते हैं, अब्दुल रजाक खान है ना, ये मुसलमान है ना, ये औरतें बच्चियों के लिए सोचती हैं। हम लोग लड़े हैं अदिति, आप जानती नहीं है कितना मुश्किल होता है, और बच्चियों से कह देना कि हम लोग उसके हक में, वो बच्ची क्या बोलेगी 13-14 साल की, उसके घर में सब लोग कह रहे हैं, एक प्रेशर होगा, वो लड़ पाएगी क्या? कम से कम स्कूलों में, कॉलेजों में हर वक्त ये जो मजहबी आइडेंटिटी है, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, चाहे वो केसरिया शॉल हो या तिलक हो या आप जबरदस्ती किसी तरह से घूंघट डाल रहे हैं, हम मैं तो उन सबके खिलाफ हूं। तो आप बच्चियों को कम से कम छोड़ दीजिए, मेरी इंतजा है कि बहुत मुश्किल वो जिंदगी होती है। तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। पढ़ा रहे हो दिन रात, वो जनसंख्या को देखकर तुमने जो ये दावा किया है, ये दावा जो तुमने किया है, इसको हम पूर्ण होने नहीं देंगे।
और तुम्हारी जनसंख्या को किस प्रकार से ब्रेक लगाना है ये हमें अच्छे से पता है असदुद्दीन ओवैसी। तुमने जो ख्वाब देखा है वो सिर्फ ख्वाब ही रहेगा, कभी वो ख्वाब पूर्ण नहीं होगा। साथ देंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये चुनाव बल्कि जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मुझे, चाहे मुझ पर गोलियां चले, चाकू चले, बम गिरे, कुछ भी हो जाओ, मैं लड़ता रहूंगा आपके लिए इंशाअल्लाह। और हमारे इस भड़काऊ भाषण को फैलाएंगे आप, फेसबुक पर फैलाइए, व्हाट्सएप पर फैलाइए, इंस्टाग्राम पर फैलाइए, दोस्तों में फैलाइए और दुश्मनों में भी फैला दो। ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कान की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा, तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा, तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव के दूसरे चरण की सीटों पर ये बातें करते हैं, जहां की अधिकतर सीटों पर मुस्लिम वोटर ही जीत और हार तय करते हैं। ओवैसी इन्हीं लोगों को टारगेट करके कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को अपनी रैलियों में जमकर उठाते हैं। मैं हिजाब तो हटाने आया हूँ, किसका हिजाब? जो सपा ने हमारी आंखों पर दाग के रखा, जो बीजेपी डर का निशान डाल चुकी है, मैं उस डर के निशान को हटाना चाहता हूँ। जो हिजाब और निशान मेरी बेटी और बहन पहनती है, वो सुबह कयामत तक पहनती रहेगी। कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा, तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा, तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव के दूसरे चरण की सीटों पर ये बातें करते हैं, जहां की अधिकतर सीटों पर मुस्लिम वोटर ही जीत और हार तय करते हैं। ओवैसी इन्हीं लोगों को टारगेट करके कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को अपनी रैलियों में जमकर उठाते हैं। मैं हिजाब तो हटाने आया हूँ, किसका हिजाब? जो सपा ने हमारी आंखों पर दाग के रखा, जो बीजेपी डर का निशान डाल चुकी है, मैं उस डर के निशान को हटाना चाहता हूँ। जो हिजाब और निशान मेरी बेटी और बहन पहनती है, वो सुबह कयामत तक पहनती रहेगी। प्रधानमंत्री, आप राज्यसभा लोकसभा में भाषण दिए, बहुत लंबा लंबा छोड़े, हमारे नाम से ही बिकता है ना? इधर समाजवादी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, उधर बीजेपी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, हम तो सबकी लैला है। सुनो अखिलेश यादव, अब वो मामला नहीं रहेगा, अब वो दो पुरानी पूरी बातें खत्म हो जाएंगी, ना सिर्फ संबल बल्कि इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में मल्ले सत्यादुल मुस्लिमीन एक नई तारीख लिखेगी इंशाल्लाह। उधर ही देखो, तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो, ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला है, आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। रैली करोगे तो क्या बोलोगे? जब करोगे तो अल्लाह को याद करो, ना तुमको ओवैसी से डरना है, ना प्रधानमंत्री से डरना है, ना मुख्यमंत्री से डरना है, ना अखिलेश से डरना है, किसी से नहीं डरना है सिवाय जमीन आसमान के खालिक से। जब आप ये फैसला कर लेंगे तो सपा के लोगों की रात की नींद हराम हो जाएगी, वो बोलेंगे ये
कौन सी अफीम खिला के गया उसे। प्रत्याशी हाजी रईस का एक अजीबोगरीब बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रईस चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को घेरते घेरते अपनी ही पार्टी समाजवादी पार्टी की बखिया उधेड़ बैठे। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, हमारे प्रदेश को बर्बाद किया है, हमारे जिले को बर्बाद किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास करके किसानों के साथ जुल्म और डाकती हो रही है, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। हाजी रईस का भाषण सुनकर सभा में मौजूद लोग सन्न रह गए। बावजूद इसके हाजी रईस की जुबान नहीं रुकी, वो अपनी ही रौ में अपनी ही पार्टी की इज्जत उतारते रहे। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, हमारे प्रदेश को बर्बाद किया है, हमारे जिले को बर्बाद किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास करके किसानों के साथ जुल्म और डाकती हो रही है, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। हाजी रईस का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इसका सारा ठीकरा बीजेपी नेताओं पर फोड़ दिया और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। उनका कहना है कि वो सपा के लिए जान दे सकते हैं तो उसके बारे में ऐसी बातें कैसे करें। वो शाह पर्दा बोलते हैं, वो शायद उनके घर में औरत बच्ची है नहीं मालूम मेरे को, अगर औरत बच्ची होता तो मालूम होता था। ये हिजाब रखने का मतलब क्या है? ये हिजाब क्या, औरत बच्ची जो होती है जो बड़ी होने के बाद जो है उनको गोशे पर्दे में रखते हैं, यानी उसकी खूबसूरती होती है, अब उसकी खूबसूरती दिखनानी चाहिए, उसकी खूबसूरती छुपाने के लिए वो रखा जाता है। आज आप देखे होंगे हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। और ये आज से नहीं है सिलसिला, ये है और कंपलसरी भी नहीं है, कंपलसरी पहनना करके नहीं है। जिसको पहनना है, जिसको हिफाजत कर लेना है, जिसको उसको खूबसूरतता की दूसरे को नहीं दिखाना है, वो लोग हिजाब पहनते हैं। ऐसा नहीं कि कंपलसरी हिजाब पहनना करके, और ये आज से नहीं है, बरसों से है। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? मैंने राहुल गांधी को कुछ बोला, इससे इतना आदमी भड़क गया। लेकिन जब राहुल गांधी आर्मी के लिए बोला था तब यही लोग क्यों भड़क नहीं गया, यही लोग क्यों ट्वीट नहीं किया? सो ऐसे जो लोगों का मन में कि गांधी को आप नहीं कुछ बोल सकते हैं, बाकी सब कुछ कर सकता है, ये मानसिकता देश से जाना पड़ेगा। देश डेमोक्रेटिक बनना पड़ेगा, देश में यह हिम्मत होना पड़ेगा कि आप गांधी को भी क्रिटिसाइज कर सकते। उनसे अच्छा राहुल गांधी को कोई नहीं जानता। हेमंत विश्व शर्मा जी स्पष्ट और राष्ट्रहित में बोलते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को जितना आसाम के चीफ मिनिस्टर जानते हैं उतना राहुल गांधी खुद अपने को नहीं जानते। एक बार बोलता है कि भारत का मतलब गुजरात से बंगाल, जिन्ना का भूत घुस गया है राहुल गांधी में। जो जिन्ना 1947 का पहले जो भाषा का प्रयोग करता था, अभी राहुल गांधी वही भाषा का प्रयोग करता है। एक प्रकार से मॉडर्न डेज का राहुल गांधी एक जिन्ना बन गया है। हिमंता पहले कांग्रेसी ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब वो राहुल गांधी पर हमला करने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे। तब से चुनाव आए हैं, कुछ लोगों में तालिबान के नाम से कुछ ज्यादा ही गर्मी आ रही थी, तो मैंने कहा हमने तो ये गर्मी शांत करने के लिए पहले ही एटीएस का सेंटर यहाँ दे दिया है। कॉलेज कैंपस में अल्लाह अकबर और जय श्री राम की पढ़ाई हो रही है। यूपी में दूसरे चरण से पहले मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी के लिए अखिलेश ओवैसी दोनों में जोर आजमाइश चल रही है। इस बीच हिजाब वाली प्रधानमंत्री के बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों को बपौती मानती है, इसलिए हिजाब के मुद्दे पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव की आंखों पर हिजाब पड़ गया है, इसीलिए उन्हें हिजाब के मुद्दे पर न कुछ दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जो बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तुम्हारे आंखों पर हिजाब पड़ चुका है अखिलेश। अखिलेश की आंखों पर हिजाब पड़ चुका है, क्योंकि अखिलेश ये समझता है कि संभल और उत्तर प्रदेश के
अल्पसंख्यक समाज गरीब कमजोर अति पिछड़ा सब उसके कैदी है, मजबूरी में उसका साथ देंगे, मोदी योगी से डर कर उसको वोट देंगे। यूपी का मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और इसमें सेंधमारी करने के लिए ओवैसी सीधे सीधे अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं।